वेलकम टू ऑल इन हिस्ट्री क्लासेस। तो आज का हम पेपर लेंगे LDC एग्ज़ाम 2018। एग्ज़ाम डेट 9 सितंबर 2018। पेपर कोड 42A। इसके पहले 3 पेपर LDC के अपन लगा चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट है, आप जाकर चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो इसमें टोटल 33 क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है। तो अपन वन बाय वन सारे क्वेश्चन लेंगे। तो स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं, अगर चैनल बनाया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि RSM SSB बोर्ड के जितने भी पेपर हो चुके हैं, जब से बोर्ड की स्थापना हुई 2015 से लेकर अब तक 2022 तक, सारे पेपर आपको वन बाय वन अपलोड कर दूंगा मैं, तो आपको मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर का बेनिफिट आप लोग पहले से ही जानते हो, तो फिर अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करना। तो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 1941, 1966, 1959 या 1985। तो आपका 1959 में इसका गठन किया गया। निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? जो अपने आर्टिफैक्ट होते हैं, हस्तशिल्पी जो हैं, अपने पुराने आर्टिस्ट, जो हाथ से निर्मित जो सामान होते हैं उनको जो ख़रीदा जाता है। करंट अफेयर में अगर आपने पढ़ा होगा तो जयपुर में इसका मेला भी लगता है 12 दिन का, उसमें सब ख़रीदा जाता है। लेकिन इसमें संस्था के बारे में पूछा गया है जो ख़रीदती है, तो वह आपकी राशि को, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है आपका, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? मोहनलाल सुखाड़िया, जवाहरलाल नेहरू, जयनारायण व्यास या कंवर सेन? तो कंवर सेन आपका इंदिरा गांधी नहर का जो विचार था, इसी के दिमाग में सबसे पहले आया था। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? 5, 6, 7 या 12? तो आपके 12 जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 5 है आपका, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ? देखो, अभी तक मैं हर पेपर में आपको बताता हूँ, खनिज पे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे किसी भी पैटर्न पे पूछ ले, उसके स्थापना के बारे में पूछ ले या उसके खदान कहाँ पे, उसके बारे में पूछ ले, उसका जिला पूछ ले, एक क्वेश्चन तो खनिज पे आता ही आता है, फेवरेट टॉपिक है RSM SSB बोर्ड का। तो ऑप्शन है 20 जनवरी 1990, 26 जनवरी 1995, 1 मार्च 2000 या 19 फरवरी 2003। पूछा गया है खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में हुआ, तो ये हुआ था आपका 19 फरवरी 2003 को, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 6 है आपका, प्रश्न नंबर 6 है, राजस्थान में चल रहे सर्वे शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना क्या है? तो जो आपका है सर्वे शिक्षा अभियान चल रहा है, इसके अंतर्गत आपकी जो योजना है, या बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देता है, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 7 है आपका, राजस्थान रिफाइनरी, खनिज के 2 प्रश्न हो गए, राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है? तो ये अभी करंट क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखो, अपनी जो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इसकी ये 74% रखती है और अपन को 26% देती है गवर्नमेंट को। राजस्थान सरकार जो है, इसका ऑप्शन ये होगा, राजस्थान सरकार जो है वो 26% रखती है। पहले राजस्थान सरकार पूछा गया है, फिर इसके बाद पूछा गया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड 74% रखती है, ये बाड़मेर में है ये रिफाइनरी। प्रश्न नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? सूरतगढ़, कोटा तापीय, छबड़ा, धौलपुर गैस? तो धौलपुर गैस तो सबसे कम ऊर्जा देता है, लेकिन सबसे पहला जो है वो धौलपुर वाला ही, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 10 जो था वो बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 11 है,
निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं के पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है, यानी कि पूरा पूरा लाभ अपन राजस्थान वाले ही ले रहे हैं इससे? चंबल परियोजना, व्यास परियोजना, माही परियोजना, सतपुंडा परियोजना। तो आपकी जो माही परियोजना है, इससे पूरा पूरा लाभ अपन राजस्थान वाले ही ले रहे हैं। बिजली जो बन रही है, इससे अपन पूरा लाभ ले रहे हैं। इसको अपन सिंचाई के काम में भी ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपका, मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइए, यानी कि वो शासक जिसने मुगल दरबार में शाहजहां और औरंगजेब दोनों के टाइम पीरियड में काम किया है। राजा मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, महाराजा सवाई जयसिंह या राजा भगवंत दास? तो आपका मिर्जा राजा जयसिंह जो है, ऑप्शन नंबर 2, इन्होंने दोनों के साथ काम किया है, औरंगजेब और शाहजहां दोनों के साथ। प्रश्न नंबर 13 है आपका, कोटा राज्य का संस्थापक कौन है? माधव सिंह है, मुकुंद सिंह है, किशोर सिंह है या राम सिंह है? तो कोटा राज्य का संस्थापक आपका माधव सिंह है, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 14 है आपका, किस हिंदू महीने में तेजादशमी मनाई जाती है? ज्योग्राफी और कला संस्कृति इसके दो फेवरेट टॉपिक हैं, इसमें से क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछता है। पूछा गया है तेजादशमी कौन से महीने मनाई जाती है, आसोज, श्रावण, भाद्रपद या कार्तिक? तो तेजादशमी आपकी भाद्रपद में मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 5 है आपका, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, गर्दन, सिर, माथा या कान? चंपाकली आभूषण आपके गर्दन पर पहना जाता है। प्रश्न नंबर 16 है आपका, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकत्रित करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किया था, यानी कि जो अपना एकाकीकरण हुआ था उसके पहले आपका जो हाड़ौती संघ बनाने का जो प्रस्ताव दिया गया था वो किसने दिया था? एनवी गौडगिल ने दिया था। ये एनवी गौडगिल जो आपका मद्रासी संघ से रिलेटेड है राजस्थान एकाकीकरण में, महाराव भीम सिंह कोटा के, ये भी उसमें आपको मिल जाएंगे, दूसरे चरण में बने थे ये, और महाराव भीम सिंह बूंदी के या कुकुला लसावा। तो आपके जो महाराव भीम सिंह है कोटा के, इन्होंने सोचा था हाड़ौती संघ बनाने के बारे में। बाकी ये एकाकीकरण जो है, राजस्थान का एकाकीकरण, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना नाम ब्रज निधि लिखते हैं, सवाई जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई पृथ्वी सिंह या सवाई ईश्वरी सिंह? ये सभी जयपुर के शासक हैं, सब सवाई लगाते हैं। सवाई प्रताप सिंह जो है वो अपने आप को ब्रज निधि के नाम से लिखते थे, और हवा महल भी सवाई प्रताप सिंह ने ही बनवाया है, प्रताप सिंह ने। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक, किसान आंदोलन से रिलेटेड टीकाराम पालीवाल, अर्जुन लाल सेठी या हीरा लाल शास्त्री? तो आपके अर्जुन लाल सेठी जो है, इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की है जयपुर में, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 19 से आपका, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? दो नाम ध्यान रखना, जयदयाल और मेहराब का, कोटा के बारे में जब भी आए। और कोटा में सबसे ज़्यादा उपद्रव 6 महीने तक पूरा उपद्रव हुआ था, और जो राजा था उसको किला बंद, नज़रबंद कर दिया था किले के अंदर, और जो वहाँ के जो मेजर बर्टन था उसका सिर काट के घुमाया गया था पूरे कोटा में। उसकी फैमिली में 2 बच्चे थे, एक डॉक्टर था, उनको भी मार दिया गया था। तो सबसे ज़्यादा उपद्रव ही कोटा में हुआ था क्रांति के दौरान। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जयदयाल। प्रश्न नंबर 20 से आपका, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। कुरुंजा, मूमल, सपना या गौरबन? तो मूमल जो है वो आपके स्त्री के सौंदर्य का वर्णन करता है गीत। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर, ज्योग्राफी और कला संस्कृति से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर आप दो सब्जेक्ट भी कवर कर लेते हैं तब भी आप स्कोर कर सकते हैं, और करंट अफेयर कवर कर लो, दो सब्जेक्ट कवर कर लो, इतना सफिशिएंट है। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है आपका बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 1।
प्रश्न नंबर 22 है आपका, निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों को उनके सही अवस्थितियों से मिलाइए, यानी कि ये मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग। रामगढ़ अभयारण्य, जवाहर सागर अभयारण्य, वन विहार, ताल छापर और सरिस्का। तो मैं मिला के दिखाता हूँ आपको, देखो सरिस्का जो है, सरिस्का आपका अलवर से मिलेगा, ताल छापर आपका चुरू, वन विहार आपका धौलपुर, रामगढ़ विस्थारी आपका बूंदी, जवाहर सागर आपका बता ये कोटा में, जवाहर सागर कोटा। ठीक है, कौन प्रश्न नंबर 23 से, कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी निर्माण में होता है, प्लास, धोखड़ा, तेंदू या सागवान। सागवान जो होते हैं इनकी ऊंचाई होती है 250 से लेकर 450 मीटर तक, ये दक्षिण पूर्व में ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन जो पूछा गया प्रश्न में है, बीड़ी बनाने के लिए आपके तेंदू, तेंदू वृक्ष की पत्तियों का यूज़ किया जाता है। प्रश्न नंबर 24 है आपका, गजनेर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है। गजनेर से आप समझ जाओगे, ऑप्शन भी बता देता हूँ, लेकिन मैं हनुमानगढ़, बीकानेर, चुरू या सीकर, तो गजनेर बीकानेर। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी। थारपारकर, देखो मैं जिला बता देता हूँ आपका, जैसलमेर बाड़मेर, तो ऑप्शन भी आपका वहीं से रिलेटेड होगा, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। लाल दोमट मिट्टी पाए जाने वाला जिला, लाल दोमट मिट्टी अभी आपका लेबस स्टैंड में पूछा गया अभी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है, तो इसका आंसर है आपका डूंगरपुर। नाथरा की पोल खान किस जिले में अवस्थित है, अजमेर, उदयपुर, सिरोही, बाड़मेर। तो देखो सबसे ज़्यादा खनिज अपने, खनिजों का अजायब घर अपना राजस्थान है, और सबसे ज़्यादा खनिज आपके उदयपुर में मिलते हैं, यानी माइनिंग वाला काम सबसे ज़्यादा उदयपुर में होता है, तो ये भी आपका आंसर उदयपुर ही होगा, नाथरा की पोल, लोहायास्क, उदयपुर। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति विभाग का एक भाग है, लूनी बेसिन बताना है, पूर्वी मैदान में, पश्चिमी मरुस्थल का, अरावली पहाड़ी प्रदेश या दक्षिण पूर्वी पठार। तो लूनी बेसिन जो आपका पश्चिमी मरुस्थल में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व त्रिव्य पवनामुखी ढाल वाला होता है, ये क्वेश्चन आपका ज़्यादातर रिपीटेड है और पूछा गया है बहुत से पेपरों में, तो आपका जो बरखान है आंसर ऑप्शन नंबर 3 वो सही है। प्रश्न नंबर 30, देखो बीए बोर्ड जो है ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट करता है, तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का फ़ायदा यही होता है कि आपको पैटर्न पता चल जाता है, प्लस अगर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का रिपीट हो गया तो आपके वो प्लस एडवांटेज है। प्रश्न नंबर 30 से, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है, धारियाबाद, किशनगंज, छबड़ा या मांगरोल। तो सहरिया जनजाति आपकी सबसे ज़्यादा किशनगंज में मिलेगी, किशनगंज कहाँ है, जयपुर के पास में है। किशनगंज बारह में है, विजयनगर है जयपुर के पास में। 31, निम्नलिखित में से वन श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिष्ठित क्षेत्र आवृत है, सबसे ज़्यादा वन श्रेणी में, निजी वन, अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन या संरक्षित वन। तो संरक्षित वन जो हैं वो अपने सबसे ज़्यादा वन श्रेणियों में आते हैं राजस्थान के अंदर। प्रश्न नंबर 32 है आपका, प्रसिद्ध बाटाड़ू कुआं राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है, बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर। चंदन नल को पूछा जाए तो ये आपका जैसलमेर, जैसलमेर से 50 किलोमीटर आगे है, लेकिन क्वेश्चन में जैसलमेर पूछा जाता है। थार का घड़ा, चंदन नलकूप, वहाँ पे आपको मीठा पानी मिलेगा पीने को। गरुड़दा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले में संबंधित है, बूंदी, बारा, कोटा, झलावाड़। तो ये आपकी बूंदी में है गरुड़दा पेयजल परियोजना, एक सतपुंडा पेयजल परियोजना है वो ज़्यादा फेमस है, वो भी पढ़ लेना। तो इस पेपर में केवल 33 क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर पेपर की अपनी ये सीरीज़ चल रही है जिसमें LDC के मैंने 4 पेपर कवर कर दिए हैं, और अलग अलग एग्ज़ाम जैसे कि एग्रीकल्चर का, लैब असिस्टेंट का, वो पेपर भी अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप देखो।
और पेपर अपलोड होते रहेंगे। तो आपको करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना है और लाइक ज़रूर से करना है। फिर एक बार पूरे पेपर कवर हो जाए तो अपन थ्योरी बेस स्टार्ट करेंगे। और आपका जैसा भी अभी अनाउंसमेंट हुई है कि जो RSM SSB बोर्ड है वो जितनी वैकेंसी उन्होंने निकाल दी अपने एग्ज़ाम कैलेंडर में, उसके बाद जो वैकेंसी आएगी नेक्स्ट ईयर 2023 में, उससे आपका CET एग्ज़ाम लागू हो जाएगा। तो CET एग्ज़ाम के लिए तो ये जितने भी लेक्चर है सब इम्पोर्टेंट है, अगर आपको CET एग्ज़ाम पास करना है तो। क्योंकि CET एग्ज़ाम में जो पेपर बनेगा वो प्रीवियस पेपर जितने भी RSM SSB बोर्ड ने लिए उन्हीं पे बेस्ड बनेगा। तो आपके लिए रामबाण साबित हो गए सारे लेक्चर। बस इतना ही है। वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।